तो दोस्त, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, एक अपडेट न्यूज़पेपर के माध्यम से निकल कर आ रही है कि शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों टीईटी के अंकों को मेरिट में जोड़ेंगे। पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा होगा तब आप लोग यूपी टेट और सी टेट की तैयारी अच्छे से करेंगे। और देखिए दोस्तों, बहुत से ऐसे बच्चे थे भैया जिनका टेट का पेपर निकल गया था, या जिन बच्चों का नंबर टेट में खाली 100 नंबर था, तब वो बच्चे सोच रहे थे इस बार पेपर ना दें। लेकिन दोस्तों, अगर ये खबर सच्ची निकलती है कि टेट के नंबर को अगर शिक्षक भर्ती में जोड़ा जाएगा तो सभी बच्चे यूपी टेट का पेपर जरूर देंगे। उनका दोस्तों मेन मकसद ये होगा कि यूपी टेट में अधिक से अधिक नंबर लाया जाए, जैसे 120 प्लस हो जाए या दोस्तों 140 प्लस हो जाए। देखिए सिंपल सी बात है, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे और बिल्कुल अच्छे वाली क्वालिटी में। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्ती के लिए टेट के अंकों को भी मेरिट में जोड़ा जाए, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। एक और दोस्तों बड़ी अपडेट आपके सामने रखेंगे कि डीएलएड प्रथम वरीयता मामला। अगर दोस्तों ऐसा हो जाता है तो याद रखिए दोस्तों, डीएलएड करने वाले बहुत से छात्रों की भैया नौकरी बिल्कुल आसानी से मतलब लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होता तब देखिए आपको बता दें, बीएड करने वाले छात्रों की संख्या इस समय काफी ज्यादा है और बीएड में बेरोजगारी भी ज्यादा है। अब दोस्तों, जब बीएड करने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा होगी तो सिंपल सी बात है कि नौकरी पाने वाले छात्रों की संख्या में भी बीएड आगे हो जाएगा। तो अगर दोस्तों बीएड को प्रथम वरीयता से हटा दिया जाए या दोस्तों प्रथम वरीयता डीएलएड को दे दी जाए, जैसे देखिए अभी राजस्थान में जो पेपर हुआ था रीट का, वहां पर दोस्तों डीएलएड छात्रों को वरीयता सब मामले वही थे, बीएड को वहां मौका नहीं मिला। अगर दोस्तों ऐसा ही यूपी में हो जाए तब बताइए कितना बढ़िया रहेगा डीएलएड करने वाले छात्रों के लिए। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। यूपी टेट और सी टेट में ज्यादा करनी पड़ेगी अब आपको मेहनत। नई शिक्षक भर्ती में दोस्तों शिक्षा मित्रों को होगी सर्वाधिक कठिनाई। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मित्र भैया देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत आपके लिए शिक्षा मित्र करेंगे, क्योंकि दोस्तों इनको 25 अंक का वेटेज मिलता है। और याद रखिए, शिक्षा मित्र भाई बहन अगर कोई पेपर सिर्फ पास भी कर लेगा, 90 नंबर या 97 नंबर भी ले आएगा, तो उसकी नौकरी 100% कंफर्म हो जाती है। ठीक है, तो पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। देखिए, अगर अभी तक आपने अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस नहीं देखा है तो उसको यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो अभी आप लोग परेशान मत होइए, जनरल और एससी की स्कॉलरशिप भैया आजकल तो आती ही है। ठीक है, भले ओबीसी की स्कॉलरशिप इस बीच में उतनी देखने को नहीं मिली, लेकिन जनरल में उम्मीद है दोस्तों कि आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है। तो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा का रिजल्ट पूरी अपडेट को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर की भैया बड़ी अपडेट को इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। और देखिए, अगर रिजल्ट में ज्यादा लेट लतीफी होगी द्वितीय सेमेस्टर, तब दोस्तों देखिए जितने बच्चों की बैक लगी थी या 2019 बैच, जिन बच्चों को अभी तक प्रमोट नहीं किया गया है, तो वो बच्चे नई भर्ती से बाहर हो सकते हैं। तो गाइस, हर हालत में किसी भी कीमत पर 20 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा लेट हो तो 22 अक्टूबर तक लेट हो, तो गाइस अगर रिजल्ट आ जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं है आपको यूपी टेट या आगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आता तब दोस्तों आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो पूरी अपडेट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फेल छात्र अच्छे से करें तैयारी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी बैक वैक लगी, अगर आप फेल छात्र हैं, तो आप लोग तैयारी जो करें और अच्छे तरीके से करिए, ताकि दोस्तों पेपर में आपका अच्छा नंबर आए। देखिए, एकेडमिक नंबर भी आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपके कॉलेज वाले प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देते तो दोस्तों आपको नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए टीईटी के अंकों को भी मेरिट में जोड़ा जाए तो अभ्यर्थियों को खासी राहत मिल सकती है। इससे पहले 268,500 सहायक अध्यापक भर्ती में टेट या सी टेट को सिर्फ क्वालिफाइंग परीक्षा माना गया था, उसके अंक मेरिट में शामिल नहीं हुए थे। 68,500 भर्ती में हाई स्कूल इंटर स्नातक और प्रशिक्षण बीटीसी आदि के प्राप्तांक का 10-10% या प्रतिशत, और शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत का 60% लेकर मेरिट बनाई गई थी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में भी यही फार्मूला तय किया गया है, लेकिन भविष्य की भर्ती में एकेडमिक मेरिट और लिखित परीक्षा के साथ ही टीईटी के अंकों को भी शामिल किया हो, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। अब दोस्तों देखना यह है कि मांग अभ्यर्थियों की पूरी होती है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज ये न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट निकल कर आई है, तो अब दोस्तों देखते हैं कि भैया क्या क्या होगा अगर ऐसी अपडेट आ जाती है ऑफिशियल तौर पर। तो भैया यूपी टेट और सी टेट के लिए लाइन लग जाएगी, बच्चों को आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ जाएगी, सभी बच्चे चाहेंगे कि हमारा ज्यादा नंबर है। देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले ये नियम बनाया जा रहा था कि टेट या सी टेट, जो भी आप यूपी टेट या सी टेट की परीक्षा पास करें, उसका 1/4 नंबर आपकी मेरिट में बनाया जाए या लिया जाए। मान लेते दोस्तों कि अगर आप यूपी टेट में 100 नंबर पाते, तो उसका 1/4 का मतलब 1/4 से गुणा कर दीजिए, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। तो मतलब दोस्तों ये 25 अंक का जो भी मतलब बनेगा, ये
इसको भी दोस्तों आपके मेरिट में शामिल किया जाए। ऐसी बातें हो रही थी, अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है, देखते हैं गाइस आने वाले समय में सरकार क्या करती है। अगर दोस्तों ऐसा कुछ नियम बनेगा तो उसकी अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल दोस्तों ऐसी मांग की जा रही है। और देखिए दोस्तों जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर आप वीडियो को शेयर करना भूल जाते तो भैया जब डीएलएड प्रथम वरीयता का मामला दिखे ना तो आंख बंद करके वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें आपकी जीत हो गई ना तो याद रखिए कुछ दिन पहले, जी हाँ दोस्तों कुछ साल पहले जब आप डीएलएड में एडमिशन लिए होंगे 17 बैच के छात्र या 18 बैच के, उस समय दोस्तों एक बात कही जाती थी कि अगर आप डीएलएड या बीएड कर लेंगे, ठीक है, बीएड वाले वैसे नहीं कहते थे लेकिन डीएलएड में तो ये बात बिल्कुल लिखित थी कि अगर आप डीएलएड कर लेंगे तो आपकी नौकरी कन्फर्म है। बीटीसी 2015 बैच तक दोस्तों ऐसा देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों जो 2015 बैच के छात्र, ठीक है, 69,000 भर्ती में जिन बच्चों को मौका मिला था, अधिकांश बच्चों ने अपनी एक सीट कंफर्म की। अब देखिए जो बच्चे या तो सुपर टेट परीक्षा नहीं पास कर पाए या सुपर टेट परीक्षा पास करने के बाद उनके नंबर बहुत ही ज्यादा कम थे। अगर दोस्तों जितने बच्चे मतलब डीएलएड के या बीटीसी 2015 बैच के 100 से ज्यादा नंबर पाए थे, या दोस्तों हम कहें कि जो बच्चे 105 के ऊपर चल रहे थे, ठीक है, डीएलएड की बात हो रही है, उन सभी बच्चों को लगभग दोस्तों नौकरियां मिल गई। अब जिन बच्चों के नंबर ज्यादा कम थे उनके लिए दिक्कत आई, लेकिन दोस्तों बीएड में ऐसा नहीं था क्योंकि बीएड में एकेडमिक उतनी अच्छी बन नहीं पाती, तो काफी बीएड के बच्चों की देखिए नौकरी में ज्यादा संख्या इनकी इसलिए हो गई क्योंकि बीएड के छात्रों के आवेदन करने की संख्या भी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए दोस्तों बीएड के बच्चे बाजी मार ले गए। और देखिए इस बार क्या है, अगर डीएलएड हमारा प्रथम वरीयता मामला जीत गया ना तो बीएड वाले बच्चे खाली भैया शक्ल आपकी ताकते रहेंगे, ठीक है, देखेंगे अरे तुम्हें नौकरी मिल गई हमें तो नहीं मिली, ठीक है। ये दोस्तों मामला है डीएलएड छात्रों की मांग, ये लंबे समय से चलती आ रही है, तो ये अपडेट हमने सोचा आप तक पहुंचा दी जाए। वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ शिक्षा मित्रों को होगी सर्वाधिक कठिनाई, अगर शिक्षा मित्रों को कठिनाई नहीं होगी तो भैया जितने बच्चे डीएलएड और बीएड के हैं नौकरी की उम्मीद आज ही से आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि शिक्षा मित्र अगर एक बार परीक्षा पास कर लेंगे तो भैया उनकी सीट कंफर्म हो जाती है। शिक्षक भर्ती के प्रस्तावित फार्मूले से शिक्षा मित्रों को सर्वाधिक कठिनाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद से तकरीबन 1,37,000 शिक्षा मित्र पद व वेतन वापस, ठीक है, पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछली दो भर्तियों 68,569 में टीईटी सिर्फ क्वालिफाइंग होने से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन नया प्रस्ताव शिक्षा मित्रों के पक्ष में नहीं है क्योंकि टीईटी या सीटेट में ही मतलब हाल में ही प्रशिक्षण पाने वाले कम उम्र के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शिक्षा मित्रों की तुलना में बेहतर है। जी हाँ दोस्तों सिंपल सी बात है, जो बच्चे डीएलएड या बीएड के हैं वो शिक्षा मित्रों से कहीं ज्यादा तेज है, तो आप लोगों की नौकरी लगने के जो चांसेस होते हैं दोस्तों वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो भी अपडेट निकल कर आएगी उस अपडेट को हम आप तक समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल देखिए जो हमारा संघर्ष चल रहा है वो डीएलएड प्रथम वरीयता मामला को लेकर है। अगर दोस्तों ऐसा शिक्षक भर्ती में बदलाव किया गया तो अब आप लोग यूपी टेट की जो तैयारी कर रहे हैं वो 120+ मान के ही तैयारी करिएगा। जो बच्चे सिर्फ इसलिए तैयार कर रहे हैं कि हमारा 82 नंबर आ जाए, हमारा 90 आ जाए, तो गाइस वो बच्चे सक्सेस नहीं हो पाते हैं, या उन बच्चों के 90 नंबर आना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो बच्चे 120+ मान कर चलते हैं उन बच्चों के आसानी से 100+ नंबर आ जाते हैं। तो गाइस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और देखिए अगर आप मैथ में कमजोर हैं, बहुत से बच्चे होते भैया जो मैथ का नाम सुनकर उनको बुखार आ जाता है, तो आप लोग दोस्तों सीटेट की तैयारी ज्यादा अच्छे से करिए, क्योंकि देखिए सीटेट में क्या होता है कि जो मैथ में भी 15 नंबर के क्वेश्चन पेडोगॉजी आता है, पेडोगॉजी 15 में से आप लोग 12-13 स्कोर कर सकते हैं, बाकी 15 में से उधर 5 नंबर भी पा गए तो ठीक ठाक दोस्तों मैथ में 17-18 का स्कोर हो जाता है, बाकी अन्य विषयों को अच्छे से पढ़कर आप लोग सीटेट की परीक्षा आसानी से पास कर सकते हैं। लेकिन यूपी टेट में यहाँ पर दिक्कत आती है, यूपी टेट में आपको पेडागोजी देखने को मिलती नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर दिक्कत आती है। बाकी दोस्तों आप लोग स्कॉलरशिप का स्टेटस देखना, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, जूनियर शिक्षक भर्ती का दोस्तों एडमिट कार्ड आ चुका है, उसका भी लिंक हम नीचे दे रखे हैं कमेंट बॉक्स में, जाकर उसको भैया डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट निकल कर आएगी अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। डीएलएड पेपर लीक मामला ठंडे बस्ते में जा चुका है। जी हाँ दोस्तों एक दो दिन न्यूज पेपर वाले भी हाईलाइट करते हैं कि हाँ भाई पेपर वायरल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके बाद सबको भूल जाना है, यही दोस्तों हम बात आपको बता रहे हैं। अगर शिक्षक भर्ती में गलती से भी पेपर वायरल हो गया या कुछ बच्चों को मिल गया तो उनकी सीटें तो कंफर्म हो जाएंगी, लेकिन जो बच्चे सालों से मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत पर पानी फिरेगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि अगर पेपर लीक का मामला कभी भी सामने आए तो उस परीक्षा को या तो दोबारा कराई जाए या दोस्तों पेपर लीक होने से बचाया जाए। जी हाँ दोस्तों जहां पर गड़बड़ी हो वहां को रोका जाए, नहीं तो फिर आने वाले समय में बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। बाकी कमेंट बॉक्स में ढेर सारे लिंक दिए गए हैं, वहां से आप लोग नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।